रोल कर। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज सबसे बड़ी खबर, जो देश की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, राम मंदिर की। राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई है। 500 साल पुराना जो मामला था, लगातार इंतजार कर रहे थे इस मामले को लेकर के कि कब राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। आज वो दिन आ गया जो आधारशिला रखी गई। राजधानी जयपुर और राजस्थान के अंदर क्या कार्यक्रम रहे, क्या लोगों ने इस बारे में सोचा, क्या सोच रहे हैं अब इस मामले को लेकर के, उसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे साथी जो अक्षय जायसवाल हैं उनके साथ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी एक वर्चुअल जो कार्यक्रम था जो उसको नेताओं ने वहां बैठ करके देखा। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो नेता हैं उन लोगों ने भी इस मामले में ट्वीट भी किए, और प्रताप सिंह ने तो खुद अपने घर पर एक कार्यक्रम रखा, उसके अंदर उन्होंने भजन कीर्तन का वहाँ कार्यक्रम था, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोरोना के क्या हालात हैं राजस्थान के अंदर, इसमें मेरे साथी जो बसंत पांडे हैं वो बताएंगे। और सियासी खबरें जिसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर बैठे हुए हैं, जो उनके कैंप के विधायक हैं वो इस समय जैसलमेर में हैं, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय में आज भी हलचल रही क्योंकि आज मदन दिलावर और बसपा की याचिका पर सुनवाई होनी थी डिवीजन बेंच में, क्या कुछ रहा इस पर बताएंगे ध्वज आर्य। ध्वज, क्या रहा आज खास? देखिए, आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी और उसके साथ साथ ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद है, वो मानी जा रही थी बसपा की तरफ से। तो मदन दिलावर और जो बसपा की जो कंबाइंड जो याचिकाएं थी उस पर सुनवाई हुई, डिवीजन बेंच पे सुनवाई हुई है। इंद्रजीत मोहंती और उन्होंने करी, प्रकाश गुप्ता, इंद्रजीत मोहंती भी थे साथ, तो उन्होंने सुनवाई की। और उसके बाद में ये कि उन्होंने कहा है कि जो 6 विधायक हैं कांग्रेस में जो विलय है, जो कि दावा कर रही है बीएसपी कि उनका जो विलय हुआ है वो किसी भी प्रकार से संवैधानिक नहीं हुआ है, तो ये जो उनके एडवोकेट थे उन्होंने ये पक्ष रखे। और उसके साथ साथ में जो वीसी के माध्यम से हरीश सालवे जुड़े थे तो उन्होंने भी ये बात रखी। कोर्ट ने ये भी कहा था कि आपकी बात पर कि आपकी जो याचिका है हम किस तरीके से इस पर इस स्टेज पे क्या सुनवाई करें, क्या सुनवाई करें, तो उस पर जो है कोर्ट ने अब ये माना है क्योंकि इनकी तरफ से ये तर्क दिए गए थे कि जो ये 6 विधायक हैं ये अभी जो है जैसलमेर में है कांग्रेस की बाड़ाबंदी में, तो इनको जो नोटिस सर नहीं नोटिस जो दिए गए हैं वो तामिल नहीं हो पाएंगे किसी भी तरीके से। 11 तारीख का समय है और 14 तारीख विधानसभा होनी है। बसपा कहीं ना कहीं ये चाहती है कि कहीं ना कहीं वोटिंग पावर से पहले ये इनको पूरी तरीके से बैन कराया जाए ताकि वोटिंग पावर सी जो इनका अगर कोई विश्वास मत आता है तरीके से। कोर्ट ने अब ये माना है और सीपी जोशी को जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्हें एक नोटिस दिया है कि कल वो अपना पक्ष रखें और कल जो है 10:30 बजे बाद एक बार फिर से सुनवाई इस पर होगी। एक मामला और था संजय जैन का जो चल रहा था, उसकी जमानत के ऊपर क्या हुआ है कुछ? आज जमानत की जो बात थी कल भी होनी थी, कल कोर्ट में जब पेश किया गया तो केस डायरी नहीं थी, तो इस वजह से कोर्ट ने कहा था कि एसओजी जो है केस डायरी को पेश करे। तो केस डायरी जो है आज एसओजी ने पेश की है और ये भी कहा है, एसओजी ने एक एप्लीकेशन भी लगाई है कि ये जो जांच है वो जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है और अब ये जाँच जो है ACB पर चली गई है, तो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उनकी बात जो है अब एसओजी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई है इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है, तो केस जारी उन्होंने पेश कर दी है, तो कल जो है एक बार फिर से सुनवाई होगी और अभी फिलहाल जो है संजय जैन को जेल भेज दिया गया है। चलिए बात करेंगे रामलला की। तो आज क्या रहा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी उत्साह देखा गया होगा क्योंकि लंबे समय से इस तरह के जो वो आंदोलन चला रखे थे उसके अंदर कार्यकर्ता भी जुड़े हुए थे, नेता भी जुड़े हुए थे, कई कार सेवाओं में भी गए थे, क्या रहा आज वहाँ, कैसा उत्साह देखने को मिला? देखिए, जिस तरीके से आज जो अयोध्या में राम जन्मभूमि की स्थापना दिवस रहा, वहीं देश भर में कई आयोजन हुए, वहीं प्रदेश कार्यालय बीजेपी का जो जयपुर में मना हुआ है यहाँ पे भी एक भजन कीर्तन का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता थे वो इस भजन कीर्तन में मौजूद रहे और बड़े खुश भी नजर आए। वहीं आपको एक दूसरी बात बताएं, अभी शाम 7 बजे सभी जो नेता है उस आयोजन के चलते अभी आतिशबाजी का भी एक प्रोग्राम रखा गया, काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी बात, नेताओं ने क्या कहा, तुम्हारी बात हुई हो नेताओं से तो नेताओं उनका क्या कहना था, लोगों से बाइट लियो आपने, क्या कहा उन लोगों ने? बिल्कुल, नेताओं ने भी यही कहा कि जिस तरीके से मोदी जी की जो ये चल रही है राम जन्मभूमि को लेकर आधारशिला जो रखी है, आधारशिला चल रही है, गवाया चल रही है, वो आज यहाँ जाकर सफल हुई है, तो मोदी जी का एक जो ये सफलनामा साफ तौर पर जो प्रदेश के नेता है उनके द्वारा। प्रताप सिंह के यहाँ भी कार्यक्रम था, वहाँ क्या कुछ, प्रताप सिंह कल से परिवहन मंत्री है, प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका भी आज सिविल लाइन्स बंगले पर रामायण पाठ का यहाँ पे आयोजन किया गया। उनका भी ये कहना था कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए, ना ही बीजेपी को करनी चाहिए, राम सबके हैं, हिंदू के भी है और मुसलमान के भी है।
तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में कांग्रेस के नेता भी इस राम जन्मभूमि का जो कार्यक्रम चल रहा था उसके ऊपर अपने ट्वीट भी किए, उन्होंने लोगों को बधाई भी दी इस बात को लेकर के, क्योंकि राजनीति अब इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था। एक सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुलझाया, उसके बाद में वो हालात दूसरे हो गए हैं। तो अब बात करते हैं कोरोना की, प्रदेश के अंदर क्या हालात रहे कोरोना के, क्योंकि अब तक लगातार 1000 से ज़्यादा मरीज जो है पिछले एक सप्ताह से आने लगे हैं, अब क्या हालात हैं, सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार जो पॉजिटिव आंकड़ा बढ़ रहा है इससे सरकार की चिंता भी बढ़ती जा रही है। कुल 47,000 से अधिक पॉजिटिव राजस्थान में निकल चुके हैं, हालांकि एक्टिव केस की संख्या की अगर बात करें तो 13,000 से अधिक हैं, लेकिन आज दिन की शुरुआत में भी कहीं ना कहीं 593 जो है पॉजिटिव सामने आए। हालांकि पहली रिपोर्ट आई है, दूसरी रिपोर्ट देर रात तक आएगी, तो ऐसे में माना जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार 1000 के पार जो है पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री प्रतिदिन जो है अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, खुद जो है चिकित्सा मंत्री वो प्लाज्मा थेरेपी पर लगातार जोर देने में लगे हैं। जो शुरुआत में मरीज जो पॉजिटिव आए थे फिर बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, उनका ब्लड सैंपल भी लिया जा रहा है। इसको लेकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन भी यहां किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह लॉकडाउन था फिर अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों में जागरूकता की कमी साफ तौर पर देखने को मिली। खुद सूबे के चिकित्सा मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस तरह बिगड़ी थी उसको पटरी पर लाने के लिए उद्योगों को चालू किया है। साथ साथ ये भी उनका कहना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसकी पालना हो, मास्क का प्रयोग हो, सैनिटाइजर का सहारा लिया जाए तो कहीं ना कहीं इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन संकेत ये भी दिए हैं उन्होंने, साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि मृत्यु दर में कमी आए, और जो कि दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में मृत्यु दर कम भी हुई है। साथ ही साथ जो टेस्टिंग का दायरा है उसको बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। माना जा सकता है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर जो राजस्थान में जांच का दायरा है 42,000 से अधिक है, उसे 50,000 के पार भी ले जाने की संख्या फिर तो और बढ़ेगी। तो ये थे कोरोना के हालात। प्रदेश की बड़ी खबरों पर हमने चर्चा की, क्या सोचते हैं हमारे रिपोर्टर्स और क्या लोगों के व्यूज हैं इसके ऊपर चर्चा करी है। इंडिया न्यूज़ के प्रेस क्लब कार्यक्रम में आपको तमाम अपडेट के साथ में खबरें मिलती रहेगी। आपको केवल इसको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो आइकॉन बेल आइकॉन दिख रहा है इसको टच करेंगे तो लगातार आपको अपडेट खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद।